तो मैं यही बात प्रांजल को कह रहा था कि सिमेज में आपको ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे जो पूरा पूरा सीख जाएंगे और पूरा पूरा सीख के पूरा पूरा लाभ लेंगे। कुछ बच्चे डिस्टर्बिंग नेचर के हैं, कुछ हैं, वो कुछ होते हैं, वो अपना भी नुकसान करते हैं, अपने पाँव में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं और दूसरे का भी नुकसान चाहते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरा सीखेंगे और पूरा लाभ लेंगे, और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर अच्छे से सीख गए बेरोजगार कभी नहीं रहोगे, पैसा जेब में खत्म कभी नहीं होगा। बता दे रहे हैं, जब भी पैसा खत्म हो रहा है तुम डिजिटल मार्केटिंग का काम करना, कुछ ना कुछ इनकम आ जाएगी, क्योंकि काम बहुत है आज के डेट में। ऐसा कोई मतलब ये जो जितने ज्वेलर हैं, ज्वेलर्स पटना के, क्या डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? सब करवा रहे हैं। जितने बड़े कपड़े की दुकान है, हाँ क्या नाम है वो चुन्नी लाल, हाँ, और मिठाई वाला मणिलाल हरिलाल, ठीक है, तो जितने लाल ये सारे अच्छा पैसा देते हैं। और उनको क्या चाहिए? उनको रोज के पोस्ट चाहिए, रोज का पोस्ट, रोज का ट्रैफिक, प्लस नया प्रोडक्ट लॉन्च किए उसके बारे में मार्केट में अवेयरनेस चला जाए, तो उसके कंज्यूमर से उसका कनेक्ट रोज बन रहा है ना, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उसके यहाँ का, उससे रोज का कनेक्शन। आप ही लोग देखो ना, आपने जो चीज सर्च किया था एक बार, वो चीज का आपको बार बार अगर आता है कि नहीं आता है। तो कंज्यूमर को डिजिटली फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये सारा काम ऑटोमेटिक खुद ना हो, कोई ना कोई लड़का है जो पीछे में ये सारा काम कंपनियों के लिए करता है। अब वो लड़का तुम बन सकते, लड़का मतलब ऑब्वियसली लड़कियां भी करती हैं, ठीक है, तो वो पर्सन तुम होगे। और हमारे स्टूडेंट अमेजन पर काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। अब अमेजन के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। जब तुम लोग अमेजन में सर्च करते हो ना कोई प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोडक्ट ऊपर आएगा, इसमें भी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है अमेजन के अंदर भी। और अमेजन पे जो सर्च हुआ और प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ, उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। कभी तुमने नोटिस किया है? हाँ, तो मेरा दो तीन स्टूडेंट जो है वो अमेजन में जो काम कर रहा है, वो बताया कि सर हम लोग का काम ही यही था कि कंज्यूमर को अमेजन पे हमारा प्रोडक्ट को ऊपर लाना, अमेजन पे प्रोडक्ट को ऊपर लाना। खाली गूगल पे ऊपर लाना एक काम, गूगल पे ऊपर लाना, यूट्यूब पे ऊपर लाना, फेसबुक पे कैच करना, इंस्टा पे कैच करना, हाँ, या फिर अभी हायरिंग का काम जॉब के लिए, ठीक है, करना पड़ता है लोगों को। तो पहले पेपर में ऐड देते थे, फिर जॉब कंसल्टेंट हुआ करते थे, फिर naukri.com टाइप की वेबसाइट पॉपुलर हुई, ठीक है, monster.com, naukri.com, अब क्या चल रहा है, लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे से हायरिंग कैसे की जाए? अच्छा, लिंक्डइन पे हायरिंग करना तो एक डिजिटल मार्केटिंग का काम हुआ, लिंक्डइन से जॉब कैसे पाया जाए? तुम लोग लिंक्डइन पे हो क्या? तुम्हारा अभी तक नहीं है। फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, इंस्टा से जॉब नहीं मिलेगा, लिंक्डइन से जॉब मिलेगा। और लिंक्डइन पे तुम्हारे प्रोफाइल में क्या क्या चीजें, आज वर्कशॉप किए, लिंक्डइन पर अपडेट कर देना, रिवेन्यू का पॉइंट, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट का फोटो लिंक्डइन पर डाल देना, और तुम्हारे स्किल्स में लिंक्डइन में ये स्किल ऐड कर देना। ये सब मायने रखता है, और इसी के थ्रू लोग सर्च करेगा लिंक्डइन पर कि पटना में डिजिटल मार्केटिंग वाला कौन है, तुमने स्किल ऐड कर रखा है, तुम्हारा भी उस पर रिज्यूमे आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड।